इम्पोर्टेड जिम इक्विपमेंट या फिर इंडियन जिम इक्विपमेंट, ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल है। इनमें क्यों इतना क्वालिटी गैप है और इंडिया की फैक्ट्रीज को इतना वक्त क्यों लग रहा है इस गैप को कम करने में, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर होस्ट साहिल गांधी। यू आर वॉचिंग हाउ टू सेट अप अ जिम इन इंडिया सीरीज। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइज, मैंने आज तक आप सबको अपना इंट्रोडक्शन सही तरीके से दिया ही नहीं है। आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे फादर ने जिम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम 1996 में शुरू किया था, तो मैंने बचपन से ही फिटनेस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को बहुत नज़दीकी से देखा है। इन 2015 आई जॉइन माई फादर्स बिजनेस, और मेरे फादर चाहते थे कि मैं सेल्स और मार्केटिंग सीखूँ, तो इसलिए मैंने फैक्ट्री ज्वाइन नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी चलती गाड़ी को धक्का दूँ। और फिर मैंने अपना खुद का एक वेंचर स्टार्ट किया अंडर द ब्रांड नेम प्रोजोफिट। मेरे फादर ने कहा कि राइट नाउ यू सेल इंपोर्टेड मशीन्स। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी मैं कंप्यूटर्स बैकग्राउंड से था, मैकेनिकली इतना कोई ज्यादा कोई स्ट्रांग तो था नहीं, तो मेरा कोई इतना ज्यादा ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन होता नहीं, क्योंकि इतनी नॉलेज थी नहीं मुझे। देन अराउंड 4 ईयर्स मैंने सिर्फ इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स ही सेल किए, और मैंने इनकी क्वालिटी को भी बहुत नज़दीकी से देखा, काफ़ी सारी डिफरेंट फैक्ट्रीज का भी सामान सेल किया, तो ये समझ आया कि माल इम्पोर्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा क्वालिटी ज़बरदस्त होगी। काफ़ी सारे पुअर क्वालिटी इक्विपमेंट्स भी आए इस जर्नी में, जो दिखने में ज़बरदस्त थे बट क्वालिटी में ज़ीरो। बिफोर कोविड मैं चाइना 6 बार होकर आ चुका हूँ, जिसमें से 4 बार मैं चाइना स्पोर्ट्स शो अटेंड करने गया था और 2 बार सिर्फ फैक्ट्री विजिट करने, एक बार 2015 में और एक बार 2017 में। और मैंने काफ़ी नज़दीकी से चाइनीज इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को भी देखा, तो मुझे ये समझ आया कि अगर इंडियन फिटनेस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर और चाइनीज फिटनेस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर अगर वॉर में चले जाएं, तो मान लीजिए कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में लाठी है और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में AK-47। दे वर सो मच टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इन एवरीथिंग। बट नाउ इन 2023 1% इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिनके पास चाइना से सिमिलर टेक्नोलॉजी है। आज मैं आपको इसी टेक्नोलॉजी के बारे में इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको समझ आएगा कि इंडियन फिटनेस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टेड फिटनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इतना गैप क्यों रहा है। सबसे नंबर 1 डिफरेंस है पाइप। पाइप मशीन का एक्चुअल में बेस होता है। आउटसाइड इंडिया 90% मशीनें कैप्सूल पाइप में बनती हैं, और इन पाइप की थिकनेस 2.5 mm होती है, और आउटसाइड इंडिया सारे के सारे जो पाइप यूज होते हैं जनरली CR पाइप होते हैं, और ये इजीली बेंडेबल पाइप्स होते हैं, और इनकी मशीनें जो बनती हैं ये कुछ ऐसी दिखती हैं। इन इंडिया 99% इंडियन मैन्युफैक्चरर्स 4x2 रेक्टेंगल पाइप यूज करके अपनी सारी मशीनें बनाते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स तो ऐसे भी हैं जो 1.6 या फिर 1.8 mm पाइप थिकनेस यूज़ करके अपनी मशीनें बनाते हैं। बट नाउ थैंक्स टू मिल्स, हमारे पास अब अच्छे CR पाइप्स का एक्सेस है जो इजीली बेंडेबल हैं, जो एक्सेस हमारे पास 10 साल पहले नहीं था। सो दिस इज डिफरेंस नंबर 1, पाइप की थिकनेस, उसकी शेप एंड उसकी एबिलिटी टू बेंड। सेकेंड डिफरेंस, कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है पाइप्स को कट करने के लिए और उनमें होल्स करने के लिए। इम्पोर्टेड मशीनें जितनी भी बनती हैं वो सारी की सारी ट्यूब लेज़र मशीन को यूज़ करके बनती हैं। ट्यूब लेज़र मशीन उनमें प्रॉपर कट्स, टेपर कट्स और होल करने के काम आती है, इसलिए जितनी भी इम्पोर्टेड मशीनें बनती हैं वो हमेशा एकदम प्रिसाइजली परफेक्ट बनती हैं। बट इन इंडिया 99% मैन्युफैक्चरर्स पाइप को कट करने के लिए पाइप कटर का यूज़ करते हैं, बट उस कटर से कभी भी उतनी एक्यूरेसी नहीं आ सकती। वो एक्यूरेसी लाने के लिए आपको ट्यूब लेजर मशीन यूज़ करनी ही पड़ेगी। अगर आपका फॉर एग्जांपल हमने पाइप कटर से जो कट किया, अगर वो हल्का सा भी लेफ्ट राइट हो गया तो पूरी मशीन की मूवमेंट ख़राब हो जाती है। सेम गोज़ फॉर ड्रिलिंग। जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ड्रिल करने के लिए प्रॉपर ड्रिलिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर एक भी होल लेफ्ट राइट हो जाए तो मशीन फिट ही नहीं होगी, पूरी मशीन की मूवमेंट ही खराब हो जाएगी। फॉर प्रिसिशन वर्क यू नीड ट्यूब लेजर मशीन। यही तो सबसे ज़्यादा खास बात है इम्पोर्टेड मशीनों की, अटेंशन टू डिटेल, एकदम प्रिसाइज काम। जितनी मशीनें बनती हैं, अगर 100 मशीनें बनती हैं तो 100 की 100 एकदम आइडेंटिकल होती हैं और सब में एकदम सेम मूवमेंट होता है। नाउ डिफरेंस नंबर 3, किस मशीन का इस्तेमाल पाइप बेंड करने के लिए। आउटसाइड इंडिया
ऑलमोस्ट सभी मैन्युफैक्चरर्स के पास पाइप बेंडिंग मशीन है और वो इसी मशीन को यूज़ करके सारे के सारे पाइप्स बेंड करते हैं। ये बेंड्स दिखने में कुछ ऐसे लगते हैं। इन इंडिया पाइप बेंडिंग मशीन अब एक ज़रूरत सी बन गई है। ऑलमोस्ट 90% मैन्युफैक्चरर्स ने भी पाइप बेंडिंग मशीन परचेज कर लिया और कुछ मैन्युफैक्चरर्स इसको आउटसोर्स भी कर रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे भी हैं जो इसको 3-4 जगह कट लगा के बहुत स्ट्रेटेजिक वे में इसको बेंड कर देते हैं, बट वो दिखने में बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लगती और बहुत ओल्ड स्कूल लगती है। नाउ डिफरेंस नंबर 4, जो लेथ मशीन का काम है क्या वो ऑटोमेटिकली हो रहा है या वो मैनुअली हो रहा है? जितनी भी इंपोर्टेड मशीनें होती हैं उसमें सारा का सारा काम CNC लेथ ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर होता है। CNC ऑटोमेटिक मशीन का एक फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जितने भी पार्ट्स बनते हैं वो एकदम हाईली प्रिसाइज पार्ट्स बनते हैं, जिससे उसका जो एंड रिजल्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मैनुअली अगर हम इन पार्ट्स को बनाएं तो मशीन के थोड़े बहुत मैकेनिक्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे चले जाते हैं। इन इंडिया 99% जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मैनुअल लेथ मशीन का इस्तेमाल करते हैं इन पार्ट्स को बनाने के लिए, तभी प्रिसीजन में हल्का फुल्का ऊपर नीचे होने की वजह से मशीन में थोड़ा सा जो मूवमेंट होता है वो एक्यूरेट नहीं आ पाता। नाउ डिफरेंस नंबर 5, आप किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं लेज़र कट करने के लिए? क्या उन पार्ट्स की एक्चुअल में आउटसोर्सिंग हो रही है या उनके पास वो मशीन इन हाउस है? जितनी भी इंपोर्टेंट मशीन्स हैं जो सारी की सारी फैक्ट्रीज के अंदर बनती हैं इंडिया से बाहर, ऑलमोस्ट सभी के पास शीट लेज़र कटिंग मशीन है एज ऑफ नाउ। इन इंडिया 99% मैन्युफैक्चरर्स के पास ये मशीन नहीं है और वो इन पार्ट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं, बट इस आउटसोर्स करने की वजह से उनको जॉब वर्क का अमाउंट भी पे करना पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट भी पे करना पड़ता है। बट इसमें कैच है, इन पार्ट्स की जो कॉस्टिंग है वो सारी की सारी बाय वेट होती है। अगर उनको अपनी मशीन की कॉस्टिंग को कम करना है तो अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स की थिकनेस को ड्रॉप कर देंगे तो उनकी ओवरऑल मशीन की जो कॉस्टिंग है वो ड्रॉप हो जाती है। तो अपनी मशीन की कॉस्टिंग को कम करने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की थिकनेस को कम कर देते हैं जिससे उनको कम कॉस्ट बियर करनी पड़े अपनी मशीन्स के ऊपर। तो जो कंपनीज इन पार्ट्स को आउटसोर्स कर रही हैं वो इन प्रैक्टिसेस में बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होती हैं। तो प्लीज़ टेक केयर, जब आप किसी भी इंडियन मैन्युफैक्चरर से कोई भी मशीन परचेज करते हैं तो जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं उनकी थिकनेस का ज़रूर ध्यान रखें। नाउ डिफरेंस नंबर 6, कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वेल्डिंग करने के लिए। अब जितनी भी मशीनें इंडिया से बाहर बनती हैं वो सारी की सारी फिक्स्चर्स के द्वारा बनती हैं। फिक्स्चर्स में क्या होता है कि जितने भी सारे के जो मशीन के कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसको एक जगह प्लेस कर देते हैं और फिर उनको वेल्ड किया जाता है। जितनी भी वेल्डिंग है वो सारी की जाती है रोबोट्स के द्वारा। अच्छा, फिक्स्चर्स का एक फ़ायदा क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 100 मशीनें बन रही है तो 100 की 100 मशीनें एकदम आइडेंटिकल बनती हैं। और रोबोट वेल्डिंग का क्या फ़ायदा होता है कि जितनी भी उसमें वेल्डिंग होती है वो एकदम यूनिफॉर्म होती है। इंडिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो वेल्डिंग होती है वो सारी की सारी की जाती है हाथों के द्वारा, तो उसमें कभी भी इतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती। तो उस यूनिफॉर्मिटी को छुपाने के लिए 3 प्रोसेस ऐड कर दिए जाते हैं, विच इज़ ग्राइंडिंग, बफिंग एंड पट्टी। तो ये करने की वजह से जो ओवरऑल जो फिनिशिंग का जो इफ़ेक्ट है वो इतना यूनिफॉर्म नहीं आ पाता, और जिस वजह से बहुत लोग ये कहते हैं कि जो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स की जो फिनिशिंग है और जो इंडियन इक्विपमेंट्स की फिनिशिंग है उसमें बहुत बड़ा गैप रह जाता है। नाउ डिफरेंस नंबर 7, पेंट फिनिशिंग। अब पेंट की फिनिशिंग सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि पाउडर की क्वालिटी कैसी है और उसका ब्रांड कैसा है या आपके पास अपना इन हाउस पाउडर कोटिंग प्लांट है। डिपेंड करती है, 40% तक करती है, बट उससे ज़्यादा डिपेंड करती है उसके प्री ट्रीटमेंट के ऊपर। अब टोटल 4 तरीके के प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 प्रोसेस इज़ योर 9 टैंक ट्रीटमेंट, नंबर 2 इज़ योर सैंड ब्लास्टिंग, नंबर 3 इज़ योर शॉट ब्लास्टिंग एंड नंबर 4 इज़ योर 3-in-1 टैंक ट्रीटमेंट। जितनी भी मैंने फैक्ट्रीज विजिट की हैं चाइना के अंदर, जितनी भी जो टॉप फिटनेस इक्विपमेंट्स फैक्ट्रीज हैं, ऑलमोस्ट सभी फैक्ट्रीज शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस को
यूज करती हैं। बेसिकली शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस में होता क्या है कि जो मेटल सरफेस होता है उस पर बहुत छोटे छोटे जो शॉट्स होते हैं वो ब्लास्ट किए जाते हैं उसकी अपर लेयर जो होती है, जो रस्ट वाली लेयर होती है उसको रिमूव करने के लिए और उसके सरफेस को एकदम इवन करने के लिए। तो जब पेंट उस पर होता है वो एकदम यूनिफॉर्म होता है। तो ये तो हो गया उसका प्री ट्रीटमेंट। अब प्री ट्रीटमेंट के बाद उस पर जो पाउडर कोटिंग होती है वो कौन सी गन से की जाती है? तो मैं जितनी भी जो फैक्ट्रीज विजिट की हैं चाइना के अंदर, 90% जो कंपनीज हैं वो स्विट्जरलैंड की गेमा गन को यूज़ कर रहे हैं। इस गन का फ़ायदा क्या है कि जो क्वालिटी जो ये प्रोड्यूस करती है दैट इज़ फिनोमिनल। पाउडर की क्वालिटी में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इसकी जो प्राइस रेंज है वो 200-300 रुपए पर केजी से स्टार्ट हो गए, इट गोज़ अप टिल 1100-1200 रुपीज़ पर केजी। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो 5000 किलो वाला पाउडर भी यूज़ करती हैं। इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है फिलहाल। ये रिजल्ट कुछ जो 200-300 रुपए केजी के पाउडर के होते हैं और ये एक रिजल्ट है जो 700-800 रुपए केजी के पाउडर के रिजल्ट के होते हैं। तो गाइज आई गेस आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा कि जो पेंट की फिनिशिंग है इट डिपेंड्स ऑन द प्री ट्रीटमेंट, द गन यूज्ड एंड द पाउडर क्वालिटी। सो डिफरेंस नंबर 8, एक्सेसरीज। ये ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में एक मशीन को नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ जो चाइना में इस समय फॉलो हो रहा है। तो चाइना में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो जनरली शेंजन एरिया के अराउंड ही होती है। तो वहाँ पे क्या एक कम्युनिटी सी बन गई है और जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो सारी की सारी वहीं शेंजन में ही बनी हुई हैं। तो उनको मेन वहाँ पे एडवांटेज क्या है सेटअप करने का कि वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन बनाना, स्पीकर, रैम, प्रोसेसर्स, जितनी भी चीज़ें जो मोबाइल के अंदर यूज होती हैं वो सारी की सारी वहीं शेंजन सिटी में उनको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए उनका जो पूरा जो सप्लाई चेन है, उनका जो प्रॉपर जो प्रोक्योरमेंट वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सेम ऐसी चीज़ फॉलो हो रही है शैंडोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो एक सिटी है उसका नाम है डर्जो। वहाँ पे बहुत सारी फिटनेस इक्विपमेंट फैक्ट्रीज हैं और उनको सप्लाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी एक्सेसरीज जो होती हैं जो फिटनेस इक्विपमेंट्स के अंदर यूज़ होती हैं वो उनको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर एक इकोसिस्टम सा बन गया है। ये सेम इकोसिस्टम जो है वो इंडिया में एज ऑफ नाउ मिसिंग है। इसी कारण इंडियन फिटनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अगर उनको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी एक्सेसरीज चाहिए तो या तो वो खुद डाई बनवाते हैं या वो किसी भी वेंडर से अगर वो लेते हैं, जैसे चाइना वाले प्रोक्योर करते हैं, तो उनको इतनी हाई क्वालिटी एक्सेसरीज नहीं मिल पाती। तो जितने भी जो टॉप इंडियन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अभी भी बहुत सारी जो एक्सेसरीज़ हैं वो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो टॉप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वो मशीन्स आपको सप्लाई कर रहे हैं वो ट्रूली इंडियन है, तो वो ट्रूली इंडियन नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि जो इंडियन इक्विपमेंट्स हैं और जो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा मेजर क्वालिटी गैप जो है वो एक्सेसरीज़ की वजह से भी होता है। सो डिफरेंस नंबर 9 इज़ मशीन कवर्स। दिस इज़ द लास्ट डिफरेंस। तो जितनी भी मशीनें जो इंडिया से बाहर बन रही हैं, जो चाइना में बनती हैं या फिर जो US में बन रही हैं या फिर जो इटली में बन रही हैं, उनमें आपने नोटिस किया होगा कि उसमें प्रॉपर प्लास्टिक कवर्स लगे होते हैं और इंडिया में जो मशीनें बनती हैं उन सब में प्रॉपर मेटल शीट के कवर्स लगे होते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि इसकी जो डाई बनाने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और अगर आपको वो डाई बनानी हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और उस डाई की अगर आपको कॉस्ट रिकवर करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वांटम में जो मशीनें हैं वो बनानी पड़ेगी और क्वांटम में मशीनें प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो अपनी फैक्ट्री का जो साइज़ है वो कम से कम 10 गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी तक कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऐसी नहीं है जिसने इस चीज़ में मतलब इस डायरेक्शन में अभी तक गया हो और प्लास्टिक कवर्स उन्होंने डेवलप किया हो। सो गाइस दीज आर ऑल दी 9 डिफरेंसेस जिसकी वजह से एक गैप रहा है इम्पोर्टेड और इंडियन मशीनों के अंदर। अब इंडिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि जितनी फैक्ट्रीज ये 9 डिफरेंसेस में से एक एक करके जितने डिफरेंसेस अचीव करता जाता है और अपनी क्वालिटी को टुवर्ड्स हाई क्वालिटी इंपोर्टेड मशीन की तरफ लेते जाता है, वो अपनी प्राइसिंग को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं।
विच इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि हर किसी को लगता है कि वी आर प्रोड्यूसिंग अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और जो हमें हमारा जो कंज्यूमर है ही इज़ विलिंग टू पे अस मोर। सवाल ये उठ के आता है कि एक्चुअल में क्या इंडिया में ऐसी कोई फैक्ट्री है, एग्जिस्ट करती है, जो इन 9 डिफरेंसेस में से बहुत सारे डिफरेंसेस को टिक करती हो, कैप्सूल पाइप में मशीनें भी बना रही हो, जिसके पास ट्यूब लेजर मशीन भी हो, शीट लेजर मशीन भी हो, CNC लेथ मशीन हो, शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस हो, रोबोट वेल्डिंग हो, फिक्सचर्स में मशीन बनाता हो और बहुत ही हाई क्वालिटी पेंट यूज करता हो और उसके पास गेमा की गन हो टू डू द ऑल दी पेंटिंग स्टफ एंड उसके पास जो एक्सेसरीज हैं वो भी काफी हाई क्वालिटी की हो या उसमें वो काफी अच्छे क्वालिटी के मेटल कवर्स या जो प्लास्टिक कवर्स हैं वो यूज कर रहा हो, और ये सब यूज करने के बावजूद उसकी जो प्राइजेज हैं वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल, बहुत बड़ा सवाल है एंड इस सवाल को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।